हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड उनसे जुड़ी हुई एक ज़बरदस्त न्यूज़। आप सभी लोगों ने वो न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, शायद से वीडियो भी देखा होगा। यस दोस्तों, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उस हम कह सकते हैं लगभग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की जो हरकत हम लोगों को देखने को मिली, उसके चलते कोका कोला ये कंपनी है उनको बहुत बड़ा घाटा यहाँ पे देखने को मिला है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को जानना है। इसमें हम लोगों को सीखने को क्या मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि ये चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर कंक्लूड करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यूरो 2020 फुटबॉल की एक टूर्नामेंट रहती है, बहुत ही पॉपुलर टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे फिलहाल चल रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 15 जून, आज 16 तारीख है, 15 जून कल के दिन की हम लोग बात करें तो 15 जून पे यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को मैच देखने को मिला और वो था हंगरी वर्सेस पुर्तगाल। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ये मैच थी तो उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, राइट। एंड उसी मैच के पहले की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब यहाँ पे करने के लिए मीडिया सामने आ गई। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे बैठने के लिए जा रहे थे, सवाल जवाब यहाँ पे चलने वाले थे। एंड साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोका कोला की दो बॉटलें यहाँ पे रखी गई है, राइट। अगर आप लोग क्रिकेट में भी देखोगे ये सारी चीज़ें, मैं क्रिकेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग बोतलें रखी रहती है। तो यहाँ पे कोका कोला की दो बोतलें यहाँ पे रखी थी। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे ही यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जो साइड में कोका कोला की जो दो बोतलें आप लोगों को देखने को मिल रही है वो उनको उठाकर यहाँ पे साइड में रख देते हैं। ये जो साइड में यहाँ पे कर देते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे रखी हुई एक जो पानी की बोतल है उसको पकड़कर वो ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। मतलब वो यहाँ पे ये संकेत दे रहे हैं कि कोका कोला से ज़्यादा प्रेफर वो यहाँ पे पानी पी सकते हैं। अभी आप बोलोगे उन्होंने तो ये बोला नहीं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? सो दोस्तों, ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पहले कई इंटरव्यूज़ यहाँ पे हो चुके हैं जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद यहाँ पे बोला है कि वो ऐसी किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स को यहाँ पे पीते नहीं है। ऑब्वियसली वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है एंड फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको फोकस रखना पड़ता है। इनफैक्ट उन्होंने एक किस्सा अपने खुद के पर्सनल लाइफ से भी बताया था कि उनके जो बेटे थे उनसे रिलेटेड भी उनकी थोड़ी सी यहाँ पे हम कह सकते कोल्ड अनबन हुई थी इसी से रिलेटेड, कि कोका कोला से रिलेटेड। तो उन्होंने यही बताया कल के ही जो मैच यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली कि कोका कोला के बोतल साइड में हो गए एंड पानी की बोतल वापस उन्होंने यहाँ पे हाथ में ऊपर करके रेस यहाँ पे कर दी। सो दोस्तों, एक छोटी सी बात हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, एक फ़नी बात यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो कोका कोला, आप सभी लोगों को पता है एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वॉरेन बफे जी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, उनकी भी एक फेवरेट कंपनी हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोका कोला के शेयर्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। जैसे ही बाजार ओपन हो गए, जो कोका कोला का जो शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा था बाजार शुरू होने से पहले, हम कह सकते हैं $56.10 पे यहाँ पे चल रहा था। ऑब्वियसली ये सारी खबरें मैंने रिपोर्ट से ही ली है। एंड जैसे ये न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली, वीडियो देखने को मिला जो वायरल हुआ, आधे घंटे में कोका कोला के शेयर्स गिर गए। यस दोस्तों, कोका कोला के शेयर्स गिर गए जस्ट इस चीज़ के कारण, ऑब्वियसली क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। बहुत सारे जो वीडियो देखने वाले उनके भी शायद से वो पसंदीदा खिलाड़ी ज़रूर रहेंगे। एंड जैसे अगर हम लोग बात करें $56.10 जो कोका कोला की शेयर प्राइस थी वो यहाँ पे हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिली, बाद में 55.22, मतलब समवेयर अराउंड 1.60% की गिरावट। अभी लगेगा ये 1.5% की गिरावट से क्या होता है। सो दोस्तों, ये 1.5% की गिरावट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नियर बाय $4 बिलियन, इतनी राशि सामने आ जाती है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करूँ तो लगभग 293 करोड़ से भी ज़्यादा। सो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली सिर्फ इस एक, मतलब हम कह सकते हैं 1 सेकंड के हरकत के वजह से। एंड यही चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा लेसन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, वो लेसन यही है कि स्टॉक मार्केट, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ये बताया कि स्टॉक मार्केट ये सिर्फ फाइनेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, पूरी दुनिया जो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है वही स्टॉक मार्केट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर आप एक अगर लॉ अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि जो भी कंपनीज आती है वो कंपनीज लॉ कंपनीज एक्ट को ही फॉलो करती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो फाइनेंस तो रहता ही है, अकाउंटिंग भी रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें, ऑडिटिंग भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई रहती है। एंड ऐसी भी न्यूज़ जो कि आप लोग देख सकते हो वो भी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है, लिस्टेड स्टॉक्स है, उनके ऊपर
बहुत ही अच्छी तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है दोनों साइड से, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो ये भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि कौन सी व्यक्ति किस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करती है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव मार्केट पे ऊपर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि कोका कोला को जब इसके बारे में पता चला तो कोका कोला ने खुद बताया कि देखिए हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी अपनी चॉइस ज़रूर रहेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो यूरो 2020 है उसके बहुत सारे स्पॉन्सरर भी है, राइट। उसमें अगर हम लोग देखा जाइए, देखिए बहुत सारे स्पॉन्सर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे, उसमें कोका कोला भी एक मेजर स्पॉन्सरर है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों एक मज़ेदार और एक बात है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और एक स्पॉन्सर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है हेकन करके। तो यहाँ पे एक फ्रांस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, राइट, बहुत सारे लोगों को इनका नाम भी पता होगा। तो उन्होंने भी वही चीज़ की कि उनके सामने भी अलग अलग बोतलें रखी गई थी, पानी की बोतल थी, तो उन्होंने भी एक जो बोतल थी उसको साइड में कर दिया। सो ये चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके ऊपर मतलब बाजार भी यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली डिपेंड यहाँ पे करता है। सो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, इनफैक्ट आप लोगों को ही होमवर्क देना चाहूँगा कि इस कंपनी के बारे में, जो ये कंपनी मैंने आप लोगों को दिखाई है, देखिए इसका लोगो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट। तो इस कंपनी के क्या कोई शेयर यहाँ पे लिस्टेड है बाजार में? ये जो हरकत है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो बड़े बड़े पॉपुलर प्लेयर यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर रहे, तो क्या इस कंपनी के शेयर लिस्टेड है? अगर हाँ तो क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? तो आप लोग ज़रूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। उसी के साथ साथ वो कंपनी करती क्या है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। पहले ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता था, अभी आप सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करोगे गूगल के ऊपर तो सारी चीज़ें वही आ जाती, बट एटलीस्ट उतना तो आप लोग ट्राई करोगे। तो इसीलिए एक छोटा सा टास्क भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड वीडियो क्लोज करते हो कि ये भी आप लोगों को ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को ऐसी तरीके से अलग अलग अपडेट वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस अगर आपको चाहिए? हम तो सैटरडे के दिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं अदर देन सैटरडे, तो भी अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे यस करके लिख सकते हो। सो जब भी पॉसिबल रहेगा मैं ऐसे कुछ ना कुछ सीखने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके जरूर आऊँगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, SMKC करके और एक मेरा चैनल है, अगर आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज कर, वीडियो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, बट एक जो रेगुलर व्यूवर्स है तो उनको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा वार्निंग से रिलेटेड, कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है मेरा जो ये चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फेक कमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे नंबर्स के साथ, कि अगर आपको क्वेरी है तो नंबर दे देते। तो याद रखो दोस्तों आज तक मैंने कभी भी अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं दिया है और ना ही मैंने आपसे कभी नंबर मांगा है। सो किसी ने भी अगर नंबर आपसे पूछा या फिर खुद का नंबर दिया स्टॉक मार्केट क्लासेस के नाम से, तो समझना वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। किसी भी इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किधर भी मेरा चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर है। दोनों चैनल की अगर मैं बात करूँ, कोई भी चैनल अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ लेना वो स्कैम है, आपसे कोई ना कोई इंटेंशन रख के वो पैसा निकलवाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आपने ऐसी चीज़ों को फॉलो करके रखा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप चाहो तो उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो एंड जल्द से जल्द उन चैनल्स को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो आपका नुकसान वहाँ पे करा सकते खुद के फ़ायदे के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।